क्वेश्चन है, बॉडी जिसका मास गिवन है, तो मास की वैल्यू गिवन है इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट पे, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी, 16 न्यूटन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ कितने सेकेंड, 10 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू यहां पर क्या है, 10 सेकेंड, ठीक, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ इंटू मास क्या है, 4 इंटू वी का स्क्वायर। ये क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। वी निकालना है, वी निकालने के लिए अप्लाई करो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। टाइम कितना गिवन है, 10। अब क्या नहीं पता, ए, तो ए निकाल लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसको यहाँ पुट करेंगे तो 4 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। इस 40 को यहाँ पुट करेंगे, हाफ इंटू 4 इंटू 40 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आंसर। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में ये गिवन है, एक टॉय रॉकेट है, ठीक है, एक टॉय रॉकेट खिलौना है जिसका मास 0.1 kg है, हैज अ स्मॉल फ्यूल ऑफ 0.02 kg, अंदर फ्यूल भरा हुआ है 0.02 kg, विच इट बर्न्स इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में फ्यूल बर्न हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यू 0 है और स्पीड एक्वायर क्या कर देता है, 20 मीटर पर सेकेंड After fuel is burned, यानी कि इसका मास 0.02 kg तो खत्म ही हो गया फ्यूल बर्न करने के बाद, टॉय टॉय रह गया, मास तो खत्म हो गया फ्यूल का। तो क्या कह रहे हैं, वॉट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। अब थ्रस्ट होता क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन में एक्सेलेरेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में एक्सेलेरेशन, v माइनस यू बाई टी, इसको उठा के यहां पुट कर दें। अब वेलोसिटी फाइनल क्या है, 20 क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल क्या है, रेस्ट पे 0 गिवन है, टाइम पता है 3 सेकंड में हुआ सब कुछ, फ्यूल बर्न हो गया 3 सेकंड में। जब फ्यूल बर्न हो गया तब हमें थ्रस्ट निकालना है, जब फ्यूल बर्न हो गया तो अब टोटल मास m की जगह क्या पुट करें, सिर्फ 0.1 kg, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो तभी जनरेट हुई जब फ्यूल बर्न हो गया, और जब फ्यूल बर्न हो गया क्या बताया मैंने, तो मास तो 0.02 kg लेंगे नहीं, तो मास की जगह क्या लेंगे, 0.1 kg। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है, तो एक तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। तो एनर्जी कंटेंट का मतलब होता है, पर यूनिट मास का मतलब कि फ्यूल के पास कितनी एनर्जी थी उसको टोटल मास ऑफ फ्यूल से डिवाइड कर दें तो एनर्जी अपॉन मास आ जाएगा। अब फ्यूल के पास कितनी एनर्जी थी, रॉकेट से पूछ लो, फ्यूल तो ना बोलेगा, फ्यूल कहेगा मैं तो अपनी एनर्जी किसको दे दी, रॉकेट को, तो मैं तो जल गया और रॉकेट को एनर्जी मिल गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फ्यूल ने जल के वर्क डन किया और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, हाफ एमवी स्क्वायर। अब क्योंकि फ्यूल बर्न हो चुका है
और फ्यूल बर्न हुआ तो अब मास किसका आएगा इसमें? सिर्फ रॉकेट का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्यूल को थोड़ा मिली, रॉकेट को मिली, और वेलोसिटी एक्वायर्ड कितनी है? 20. तो इतनी एनर्जी रॉकेट के पास थी, 20 जूल, जो किसने दी? फ्यूल ने बर्न करके दी. तो आपको क्या निकालना है? कितनी एनर्जी फ्यूल की पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल. तो 20 जूल की एनर्जी किसने दी? फ्यूल ने दी. तो एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल के अंदर मास किसका यूज करेंगे? फ्यूल का, क्योंकि जला कौन? फ्यूल. तो फ्यूल का क्वेश्चन है, फ्यूल की एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास निकालो. तो फ्यूल ने इतनी एनर्जी दी काइनेटिक की फॉर्म में, मास फ्यूल का आंसर जूल पर केजी में आंसर आएगा. सारी गेम इसमें मास की है, कब कौन सा मास लेना है. फ्यूल का एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है तो फ्यूल का मास, बाकी सारा कुछ में रॉकेट का मास. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट. जी हुआ, सॉल्व हुआ? नहीं. कितनों का आंसर आया? ठीक है. बुलेट वेइंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड. तो मास 10 डिवाइडेड बाय 1000 केजी लेना है. तो बुलेट का मास पता है, 800 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पता है. After passing through mud wall, मिट्टी की वॉल है, 1 meter long, velocity decreases to कितनी? 100 meter per second. 100 meter per second से बाहर आ गया. आपको friction बतानी है इसके अंदर क्या लगी. तो आपको बतानी है इसमें force of friction की value कितनी है, ये question है. ठीक है. तो change in kinetic energy क्या होगी? Half into mass 10 upon 1000 into 100 का स्क्वायर, हाफ इंटू 10 बाई 1000 इंटू 800 का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ इंटू कितना? 1, लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो रिटार्डिंग फोर्स की वजह से काम कर रहा है. तो रिटार्डिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा
नेगेटिव, सॉल्व करेंगे एफ की ये वैल्यू आएगी आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो हमें समझ में आ गया इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट, तो कोई शॉट है 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, एक प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक, 4×10^-2 मीटर थिक, जस्ट एबल का मतलब बस यहां पे आके रुक जाता है, v इज इक्वल टू 0, बाहर निकलता है किसी वेलोसिटी के साथ, रुक जाता है, केस नंबर वन। नेक्स्ट है सेकंड केस में, कह रहा है कितने वेलोसिटी से वो इसमें एंटर करे, कितने वेलोसिटी से वो इसमें एंटर करे ताकि 9 सेंटीमीटर थिक इसमें रुक जाए। तो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, कैसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, इनिशियल क्या है 1/2 × मास कितना है इसमें चाहिए नहीं m, 100² इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन 4×10^-2 विद नेगेटिव साइन। क्या स्टेप क्लियर है क्वेश्चन नंबर वन? दूसरे केस में 0 − 1/2 × m × v का स्क्वायर, v आपको निकालना है, वर्क डन बाय अगेन फ्रिक्शन, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, 1 और 2 इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लें, m से m कैंसल, f से f, माइनस से माइनस, सॉल्व करके क्या निकालना है आपको, v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि प्लैंक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इसमें? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, पहले ये करो, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है बॉडी जिसका मास है 0.3 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो 10 मीटर प्लैंक की लेंथ है और हाइट क्या है 5 मीटर, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग थीटा वगैरह खुद निकाल लो, थीटा साइन थीटा है 5/10 यानी कि 1/2 θ इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया। अब वो कह रहा है कि 10 मीटर ऊपर लेके गए एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन एट दी बॉटम, अगेन ऊपर ले गए, फ्रिक्शन प्रेजेंट थी, म्यू गिवन है और फिर छोड़ दिया, फिर नीचे आ गए, ऊपर हम लेके गए, नीचे आने में हमें जरूरत नहीं, अपने आप नीचे आ जाएगी, तो राउंड ट्रिप हो गया आना और जाना। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर राउंड ट्रिप, आने और जाने का ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया? जब वो बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की ही लेनी है, फ्रिक्शन नहीं लेनी। जब वो बोलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो वर्क जो फोर्स लेनी है वो सिर्फ फ्रिक्शन की लेनी है, ग्रेविटेशन की नहीं लेनी। और अगर वो बोलता है कि नेट वर्क डन, नेट फोर्स ने कितना काम किया, फिर सारी फोर्सेस लेनी है, फ्रिक्शन की भी और ग्रेविटेशन की भी। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी उसने ग्रेविटेशन बोला, तो ये बताओ कि इस बॉडी को नीचे कौन सी ग्रेविटी की फोर्स खींच रही है, mg साइन थीटा, और अगर आप इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये जाना नहीं चाहती ऊपर, ये चाहती है मैं तो नीचे जा रही हूं mg साइन थीटा, तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगती है, ऊपर क्यों लेके जाएगी बॉडी को, ग्रेविटी की फोर्स बॉडी को नीचे लेके आएगी, पर आप चाहते हैं ऊपर जाए, तो आप तो उल्टा काम कर रहे हैं ना, जैसे फ्रिक्शन आपके उल्टा काम करती है, आप इधर उल्टा काम कर रहे हैं, आप ग्रेविटी की फोर्स के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो फोर्स ग्रेविटी की कहां लग रही है, नीचे, आप कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर, एंगल क्या 180, आप अपोजिट डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, तो ये रिटार्डिंग फोर्स मानी जाएगी इसमें, तो आप फोर्स में क्या कर रहे हैं, आप इसको इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ऊपर जाने में वर्क डन क्या होगा, −mg sin θ × L, तो −mg sin θ × L आंसर, वर्क डन आ गया। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक?
नेगेटिव आएगा ऊपर जाने में, लेकिन अगर यही क्वेश्चन नीचे आने में होगा, नीचे आने में ये फोर्स का वर्कडन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स कहां लग रही है, अभी भी नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां है अब, नीचे 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 आने में नीचे, तो एंगल इनके बीच में जीरो, तो वर्कडन पॉजिटिव। mg sin थीटा ऊपर कभी नहीं लगती, mg sin थीटा तो चाहे ब्लॉक को ऊपर ले जाओ चाहे ब्लॉक को नीचे ले आओ वो तो नीचे ही है। जब ऊपर लेके गए थे तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई थी तो 180, और नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई तो जीरो, तो जाने का वर्क डन नेगेटिव, आने का वर्क डन पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों में, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आने और जाने का क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब आपने कितनी अप्लाइड फोर्स की, आपने कितनी अप्लाई की, कब, जब आप ऊपर लेके गए ब्लॉक को। सोचें अगर आप इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स जब आपको लगानी है तो किन दो फोर्सेस के इक्वल लगानी है ताकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट से ऊपर जाए। एक एम जी साइन थीटा, इसको आपको ओवरकम करना है, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी आपको नहीं लेके जाने देगी फोर्स को ऊपर, और ना एम जी साइन थीटा। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या होगी इसमें, एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन एम जी कॉस थीटा। और इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल, आपकी फोर्स कहाँ है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आपका अप्लाइड जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स है वो ऊपर है, क्योंकि आप ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स भी आपने कहाँ अप्लाई की, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर, तो एंगल उनके बीच में जीरो, ये रहा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप, फ्रिक्शन। अब आपको जब ये कहा गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आपने सारे वर्क डन में फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेनी है, फ्रिक्शन। जब आप ब्लॉक को ऊपर लेके गए थे फ्रिक्शन कहां पर है, नीचे, और जब नीचे लेके गए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है, ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर सकती है और हमेशा ऑपोजिशन में रहेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कभी भी वर्क डन पॉजिटिव नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे। तो देखो जब आप ऊपर लेके गए तो भी फ्रिक्शन अपोज कर रही है, जब नीचे लेके आए तो भी फ्रिक्शन अपोज कर रही है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दोनों को ऐड करेंगे टू टाइम्स हो जाएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या, म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा। आंसर ये जीरो नहीं होगा, ग्रेविटी की प्रॉब्लम है, एम जी साइन थीटा। कई लोग कह रहे थे कि ग्रेविटी की तरह नेट राउंड ट्रिप में आंसर जीरो आना चाहिए, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज ही करेगी। एम जी साइन थीटा आपको फेवर कर सकती है जब आप नीचे आ रहे हैं, और अपोज करेगी जब आप ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फ्रिक्शन में हमेशा ही नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब जब ये बॉडी ऊपर से चली होगी, ऊपर से चली होगी, U इज इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसमें हाफ एम स्क्वायर, राइट, क्लियर है। तो ऐसे केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, फोर्स क्या होनी चाहिए, नेट। अब सोचें जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स क्या है, mg sin थीटा, अपोजिंग फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगी, mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इनस्टेड आप ऐसा भी कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स लगाएं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as लगाएं, और एक्सेलेरेशन फोर्स से आती है निकालनी, तो v निकाल लें हाफ एम वी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये लगा दें, एक ही बात, ये ज्यादा आसान है, एक ही को में आंसर आता है। तो वही काम करने का तरीका फोर्स के पास भी है, वही काम करने का तरीका वर्क के पास भी है, जैसे चाहे वैसे करें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ऑनलाइन समझ में आ रहा है?